गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के दारघाटी, एक छोटे से गांव रैलगांव से। और आज की ब्लॉगिंग मैं 10 बजे से कर रही हूँ। और केदारघाटी का मौसम तो आप लोग देख ही रहे होंगे, मेरे पीछे पूरा पैक हो रखा है। और केदारघाटी का मौसम ऐसा है, कोहरा लगा हुआ है चारों तरफ और आसमान में काले बादल लगे हुए हैं। सुबह में तो बारिश लग गई थी और फिर आसमान ऐसा पैक हो रखा है पूरा बादलों से। आसमान तो पूरा बारिश लग रही है सुबह से। और हमारा जो यहाँ पर बन रहा था तो इतना बन गया है, जो लकड़ी वाला किचन तोड़ा था हमने तो वो लकड़ी यहाँ लगा दी हमने सेटिंग पर, तो पूरी हो गई है। कल परसों से परसों तक हमारा छत भी पड़ जाएगा और इतना काम हुआ है। और बारिश की वजह से पूरा गीला गीला हो रखा है यहाँ पे। और हमारे गांव के नीचे सीढ़ीनुमा खेती है और बैल द्वारा लगाई जाती है हल। और अच्छे गेहूँ जो और सरसों की खेती हो रखी है, तो सरसों भी अब पकने ही वाला है नीचे खेतों में। तो नीचे नीचे बो रखा है सरसों और बीच में बो रखे हैं गेहूँ, जो की खेती होती है ज़्यादा करके पहाड़ों में। और वो नीचे बह रही है मंदाकिनी नदी और यहाँ से इतनी आवाज़ आ रही है, सामने सामने पर बह रही है। और चारों तरफ बांज बुरांस के पेड़ हैं हरे भरे। और आजकल तो बारिश की वजह से अच्छे हो रखे हैं गेहूँ की खेती भी। अभी आ रखी हूँ मैं किचन में, तो किचन में पहले मैं चाय बनाऊँगी। और नाश्ता भी नहीं बनाया है अभी, क्योंकि अभी गौशाला का काम किया है, गाय भैंसों से दूध निकाला और चारा पत्ती डाला और बाहर भी निकाल दिए हैं। और दुनिया भर का काम होता पहाड़ों में, सुबह से शाम तक लगी रहती है पहाड़ों की मेला, तभी भी काम पूरा नहीं होता है। और पहले मैं गुड़ वाली चाय बनाऊँगी और उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। और यहाँ पर लगा रखी है मेरी लाल मिर्च, सूखी हुई मिर्च किचन गार्डन में, जो मिर्च हमारी हो रखी है वो मिर्च मैंने सुखा के यहाँ पर रख दी है। और ये है हल्दी की माला, तो यहाँ पर लगा रखी है मेरी हल्दी की माला भी। और यहाँ पर गुड़ वाली चाय भी बनके तैयार हो गई है और अब पीती हूँ मैं गुड़ वाली चाय। मैंने मसाला भी पीस दिए हैं, सिलौटे के मसाले हैं ये, तो पत्थर वाला सिलौटे में पीसे हैं मैंने, ये सब मिक्स पीस रखे हैं, तो इस कटोरी पर रखे हैं मेरे। बारिश की वजह से पूरा गीला गीला हो गया है और जो लकड़ी थी हमारी यहाँ पर वो भी भीग गई है। और वो प्लाई भी वहाँ पर प्लाई लगा रखी थी तो वो भी भीग गई है। और जो हमारा यहाँ पर चूल्हा था तो वो भी आज पूरा गीला हो गया है। और अब कैसे बनाएंगे हम रोटी। और तरसाली गांव में तो पूरा गांव में कोहरा लगा हुआ है चारों तरफ और वहाँ तक तो बर्फ भी आ गई थी, फिर बर्फ पिघल गई है और अभी कोहरा लगा हुआ है। पहाड़ों में इसको कुयड़ा बोला जाता है, तो ये जमीनी से लग रखा है वहाँ पे है खड़िया गांव, तो खड़िया गांव में भी ऐसे लग रखा है, पूरे गांव नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है जमीनी से। और आजकल जो रोड की कटिंग हो रही है वो भी खाली मिट्टी मिट्टी, और अभी तक वहाँ पर जाम लगा रखा था गाड़ी का, क्योंकि वहाँ पर रोड की कटिंग हो रही है तो इधर उधर नहीं जा रही थी गाड़ी, तो अभी खुल गई है रोड भी। और किचन में भी पूरा सामान ऐसे इधर उधर फैला रखा है, तो अब इसको मैं ठीक करूँगी, पहले सफाई करूँगी। और इधर उधर ये सामान भी और थाली कटोरी भी ऐसे पड़े हुए हैं, फिर सफाई करूँगी उसके बाद रोटी बनाऊँगी। रोहित के तो पेपर हो रहे हैं, सुबह 9 बजे चले गया था रोहित, को 3 किलोमीटर पैदल जाना है स्कूल, तो आज से उसके पेपर भी हैं, तो उसको मैंने नाश्ता बना के वो चले गया है स्कूल। और आटा बंद कर रखा था, तो फिर अपने लिए और मोनिका के लिए मैं गरम गरम रोटी बनाऊंगी और उसके बाद हम घर का काम करेंगे। बारिश तो लगी रही है, बर्तन बुर्तन और गाय भैंसों की व्यवस्था करेंगे और जो चट्टानों से लाई हुई घास है उसको डालेंगे, थोड़ा हरा घास भी है कल का काटा हुआ, क्योंकि अब बारिश में तो हम काटते नहीं घास, ठंडा हो रहा बहुत ज़्यादा, हाथ पांव काम ही नहीं करे ठंडे में, इतना ठंडा हो रहा है। हम ऐसे भी आग जलाने के लिए कहीं है नहीं, तो आजकल 2-3 दिन से हम जब से किचन टूटा हमारा तो हम
गैस ही में बना रहे हैं खाना भी, क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है पहाड़ों में, कि आग की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और हम लोग तो ज़्यादा ही चूल्हे का खाना खाते हैं, चूल्हे ही में बनाते हैं, हम लोग गैस नहीं जलाते हैं ज़्यादा करके, क्योंकि पहाड़ों में आग कर लकड़ी भी बहुत ज़्यादा लाते हैं, लकड़ी चूल्हा का यूज़ करते हैं, लकड़ी वाला चूल्हा का। और एक कमेंट आ रखी थी मेरे को, आप बहुत घमंडी हो, तो घमंडी घमंड किस बात का है मेरा, हम गाय भैंस पालने वाले हैं और पहाड़ों में रहने वाले हैं, घास लाने वाले, लकड़ी लाने वाले, जंगल में रहते हैं, और वैसे क्या घमंड है हमारे, जो गोबर साफ करते हैं, दूध निकालते हैं, ऐसे क्या घमंड है हम पे। और मैंने आप लोगों को बोल दिया है कि जो ये गंदे कमेंट कर रहे हैं उनको बोलना कि हमारी वीडियो मत देखना, ऐसे कमेंट भी मत करना हमको, क्योंकि ऐसे कमेंट हमको पसंद नहीं है। और हम उन लोगों को वीडियो बनाते हैं जो हमको सपोर्ट करते हैं और जो हमारी वीडियो देखते हैं, और जो जिन लोगों जो लोग हमें इतना सपोर्ट और इतना प्यार देते हैं, तो इन्हीं लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं। और घमंड किस बात का है, घमंड हमने कभी ना घमंड किया न करते हैं, हम जैसे हैं वैसे हैं, और किस बात का घमंड, दुनिया भर की जिम्मेदारी हमारे सर पर, बच्चे, घर और मार्केट, खेती बाड़ी, गाय भैंस, इतनी जिम्मेदारी है हमारे पास, हमारे पे क्या घमंड है। हम तो रात दिन काम में बिजी रहते हैं, और हमारे ऐसे घमंड, ऐसे प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया करो। और पहाड़ों में जो काम होता है वो ही दिखाते हैं हम आप लोगों को, जो घास लकड़ी जो जंगल से जंगल का काम होता है वो ही दिखाते हैं, जो खेती बाड़ी और गाय भैंस अपनी रियल लाइफ दिखाते हैं कि पहाड़ों में ऐसी लाइफ है, ऐसे काम धाम करते हैं लोग, हम ही नहीं सारी पहाड़ी महिला ऐसी है, बहुत मेहनती रहती है पहाड़ों की बेटी बुआरी, तो दूर दूर से लोग चट्टानों से घास लाते हैं, और हम तो पीठ में लाते हैं, कहीं पहाड़ी लोग सिर में भी लाते हैं घास, तो केदार घाटी में ऐसे है कि केदार घाटी को जो गांव है गुप्त घासी था, तो मैंने पीठ में लाती हैं यहाँ की महिला जो भी है, औरत महिला जो भी लड़कियाँ पीठ में लाती हैं, उनसे नीचे तो सिर में देखे हैं मैंने कि कहीं हम इधर उधर गए तो सिर में लाते थे अपना घास लकड़ी, तो बहुत मेहनती होती पहाड़ी की महिला, और बहुत मेहनत करते हैं, अपने घर भी संभालते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, ऐसे फालतू वीडियो नहीं बनाते हैं वो, जो रियलिटी लाइफ है तो वो ही दिखाते हैं। और मिट्टी के हाथ रहते हैं, और मिट्टी में खेतों में खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, वैसे मिट्टी के हाथ रहते हैं, वैसे रोटी भी ले जाते हैं, वैसे खाते हैं, तो क्या घमंड है। हम तो जो भी है अपनी रियलिटी दिखाते हैं, रियलिटी वीडियो बनाते हैं, ऐसे हम फालतू वीडियो नहीं बनाते हैं, और ऐसे कमेंट मत किया करो। वो ऐसे भी केदार घाटी में हमारे गांव है, जहां अभी तक हमारे लिए बहुत तकलीफ है, क्योंकि नहीं अभी तक यहां रोड है, ना तो दूर का हॉस्पिटल है, हमको तो सिर दर्द भी होता, कहीं बुखार भी आएगा तो 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है एक गोली दवाई लाने के लिए भी, तो अपने अब हमको तो बहुत टेंशन होता, घमंड किस बात का है, क्योंकि दूर का मार्केट है, एक दो छोटी भी चीज़ के लिए हमको 3 किलोमीटर जाना पड़ता आना पड़ता, हमको दुनिया भर का अपने ही घर का काम का टेंशन है, और अब क्या करेंगे, ये सुबह से ही ऐसे टेंशन रहता है, ये काम करना वो काम करना, दुनिया भर का टेंशन है अपने घर का, और घमंड किस बात का करना हमने। तो सुबह का नाश्ता भी कर दिया है हमने, और सुबह के नाश्ते में बनाई है मैगी और गेहूं की रोटी, और फिर खाना लंच बनाने का भी टाइम हो गया है, और अब लंच भी बनाती हूँ मैं, और अभी तो अच्छी वाली धूप भी खिली हुई है, आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं, सुबह में तो पूरा आसमान पैक हो रखा था, और अभी अच्छी वाली धूप खिली है, और इस पे बना दिया है मैंने चावल, बना रखी है मूली और राई की सब्जी, और ये है पापड़ पका रखे हैं, और यहाँ पर है पीसी हुई राजमा का दाल, तो अब मिस्त्री तो लगे हुए हैं, अब थोड़ी देर में लंच भी करते हैं।
और घर के कामों में पता नहीं चला, क्योंकि मेरे लिए तो तभी गौशाला तभी मिस्त्री को देखने, ऊपर छत में कितना सेटिंग का काम हो रखा है, तो पूरी सेटिंग भी हो गई है और अब बिछा रहे हैं सरिया। तो आज तो सेटिंग करेंगे और कल सरिया बिछाएंगे, और अभी लंच भी बन गया है तो पहले उनको लंच देती हूँ मैं। तो यहाँ पे बन रही है पीसी हुई राजमा दाल का साग, तो आप लोग देख सकते हो। और मम्मी यहाँ पे बना रही है, कुछ हेल्प मैंने की और कुछ मम्मी ने, तो दोनों ने साथ में मिलकर बनाया है ना मम्मी। हाँ, मिस्त्री के लिए खाना बनाया और राजमा दाल भी पहले भूनी और सिकड़ा से पीसी और तब ऐसी दाल बनाई है। पहाड़ों में पीस के भी बनाते हैं और साबुदाने भी रखते हैं राजमा दाल के चूल्हे में, और ये पीस के भी और साबुदाने भी ऐसे साग बनाया है पहाड़ों में राजमा दाल का, और भून पकड़ के सिलोटे में पीसी है। और लंच करके थोड़ा आराम किया और अब बना रही हूँ मैं गुड़ की चाय, गढ़ वाली चाय। तो मिस्त्री लोग भी गुड़ की चाय पीते हैं और चाय देती हूँ, उसके बाद धूप भी चली गई है गाँव की। और चाय भी बन के तैयार हो गई है और यहाँ पर रखी है मेरी गिलास, और ये बन गई है गुड़ की चाय, और गुड़ है बगल में और ये है दोनों मिस्त्रियों को चाय। तो मिस्त्री की भी छुट्टी हो गई है, वो चले गए अपने घर, और गौशाला से भी आ गई मैं दूध निकाल के, गाय भैंसों को चारा पत्ती डाल के। और अभी इतनी बारिश लग रही है, केदार घाटी का मौसम का कोई पता नहीं कब बारिश लगती और कब धूप लगती, और अभी तो बारिश लग रही है। और रात के डिनर की भी करते हैं तैयारी, आप लोगों को रात का डिनर में भी बताते हैं सब्जी क्या बनने वाली। और ये मोनिका किचन गार्डन से लाई है, थोड़ा इसको छीलेंगे, इसमें डालेंगे आलू, और आलू और मटर की सब्जी बनने वाली है रात डिनर में। अब करते हैं रात का डिनर बनाने की तैयारी, और आज की वीडियो को भी मैं यही पैन करती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देव जय उत्तराखंड, बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो पर। तब तक लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।